नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। सिवान में डबल मर्डर से फैली सनसनी, एक सनकी भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को चाकुओं से गोद कर की हत्या। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे प्रेमी प्रेमिका, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधुबनी और भोजपुर में आज सुबह सुबह हुआ सड़क हादसा, 4 बाइक सवारों की हुई मौत, 2 घायल। भोजपुर में एक बाइक पर सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंदा, जबकि मधुबनी में 2 बाइकों के बीच टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, सब को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। फर्जी एडमिट कार्ड लेकर सैनिक बनने मुजफ्फरपुर पहुंचे 600 युवक, जांच के बाद हुए बाहर। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में गया सेना भर्ती बोर्ड की ओर से हो रही है अग्निवीरों की बहाली। दिल्ली के साथ साथ पटना में प्रदूषित हवा का कहर जारी, सांस फूलने के साथ साथ जोड़ों में हो रहा है दर्द। मास्क का इस्तेमाल करने की डॉक्टर दे रहे हैं सलाह, बढ़ रही है सांस संबंधित बीमारियों का खतरा। समस्तीपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे स्थित एक चाय दुकान में आज सुबह घुसी एक बेकाबू कार, हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 6 लोग जख्मी। बिहार में बेखौफ हो चुके अपराधियों ने सत्ताधारी दल के विधायक को दिया धमकी, महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन को 2 अलग अलग नंबरों से दी गई जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। नेपाल के रास्ते भारत में हो रही है ड्रग्स की सप्लाई, मिठनपुरा में पकड़े गए 3 ड्रग्स तस्करों का नेपाल से कनेक्शन होने की पुलिस को मिली जानकारी, 3 के पास से 25 लाख से अधिक का ब्राउन शुगर और 1,91,000 नकदी हुआ बरामद। 4 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ जहर खाकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप। पटना के सटे फतुहा के त्रिवेणी गंगा घाट की है घटना, यहां एक प्रेमी जोड़े ने पहले एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर जीने मरने की खाई कसमें, फिर उठाया यह खौफनाक कदम। 10 लाख रंगदारी नहीं देने पर बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र का है मामला, घायल व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की गिरफ्तारी को लेकर हुआ वारंट जारी, अपने जालसाज दोस्त को फर्जी चीफ जस्टिस बनाकर डीजीपी को फोन करने व अपने ऊपर लगे शराबबंदी से जुड़े केस को हटवाने के मामले में फरार चल रहे हैं गया के आदित्य कुमार। गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष टीम का किया गठन। छठ के बाद दूसरे राज्यों को ट्रेन से लौटने वाले यात्रियों की लगातार बढ़ रही है भीड़, यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना हुआ मुश्किल। 12 से 14 घंटा लाइन में लगने के बाद भी रेलवे के टिकट काउंटर से बेटिकट लौट रहे हैं यात्री। सासाराम में प्यार में पागल पत्नी ने पति को सुला दी मौत की नींद, 1 लाख में हुआ था मौत का सौदा। घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, 1 कट्टा, 1 कारतूस, 1 ऑटो, 7 मोबाइल फोन सहित सुपारी के लिए दिए गए 22,000 रुपए नगद बरामद करते हुए पुलिस कप्तान ने किया मामले का खुलासा। हाजीपुर के एक गांव में जमींदारों ने बंद कर दिया रास्ता, नाराज गांव के लोगों ने हाजीपुर महनार एनएच को किया जाम। गांव में है करीब 500 परिवार, लेकिन रास्ता को दबंगों ने कर दिया है बंद। पटना में बदमाशों ने की युवक की निर्मम हत्या, चेहरे से स्किन को चाकुओं से निकाला, सब को देखकर फूले पुलिस के हाथ पांव। पटना दानापुर रेलवे ट्रैक के किनारे से मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से कहलगांव के बीच नेशनल हाईवे पर चलना खतरे से नहीं है खाली, यहां एनएच 80 पर मरम्मत के नाम पर अरबों रुपए हो चुके हैं खर्च, लेकिन आज भी हकीकत यही कि रोज ट्रक के नीचे आने से लोगों की जा रही है जान। दरभंगा के बहेरा थाने में तैनात एक सिपाही ने की आत्महत्या की कोशिश, क्यूआरटी में तैनात सिपाही अरुण प्रसाद ने धारदार हथियार से रेता अपना गला, आनन फानन में घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती, डीएमसीएच में इलाज जारी। पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर हुए जेल से बाहर, पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए दिया गया है पैरोल, बोले पूर्व सांसद कानून के दायरे में रहकर ही करेंगे काम। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और जमुई के सांसद चिराग पासवान की भाजपा से बढ़ती दिख रही है नजदीकियां, गोपालगंज और मोकामा में हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बाद एनडीए में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद 6 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की तैयारियां लगभग पूर्ण, सारण जिलाधिकारी राजेश मीना व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया स्थलीय निरीक्षण।
और बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर आई गर्माहट। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में छिड़ा नया सियासी घमासान। प्रशांत ने अल्पसंख्यकों को बताया था आरजेडी का बंधुआ मजदूर, बीजेपी ने प्रशांत के बयान का किया समर्थन। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।